हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ तो मेरे पास एयरिंग का बहुत बड़ा एक कलेक्शन है तो so, मैं वो आपको बताऊंगी मैंने बहुत सारे एयरिंग जमा कर रखे हैं अपने पास तो so, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगी तो so, मैं आज आपको जो फर्स्ट पार्ट है मेरा झुमकी का है सेकेंड पार्ट और कुछ और होगा और थर्ड पार्ट देखते हैं अगर कुछ रह जाएगा तो बना लेंगे वरना फर्स्ट और सेकंड जो है वो थोड़ा ग्रैंड होने वाला है लार्ज कलेक्शन है मेरे पास झुमकी का तो मैं वो पहले आपको दिखाऊंगी और कुछ स्टड भी हैं तो उसका भी वीडियो रहेगा सेकंड वाले में और जो बाकी जो बड़े हैं बड़े एयरिंग हैं लहंगे के ऊपर पहनने के लिए हैवी साड़ी के ऊपर कैरी करने के लिए तो वो सेकेंड वीडियो में रहेगा तो अभी हम फर्स्ट वीडियो में झुमकी के बारे में बात करेंगे मेरे पास बहुत तरह तरह की झुमकी हैं तो पहला जो फर्स्ट है मैं ये दिखाना इसका शायद कहीं कुछ मिस हो गया है तो पहले ये झुमकी देखिए और जिसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा मुझे मैं वो भी आपको ऑनलाइन लिंक सेंड कर दूंगी तो आप जाके परचेज कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक किसी किसी के मिल जाएंगे जिसके मैंने ऑनलाइन परचेस कर रखा होगा मैं ऑब्वियसली उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिसका मैंने लोकल मार्केट से परचेस कर रखा है मेरे पास लिंक नहीं मिलेगी उसकी तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ ये वाली झुमकी किसी बॉर्डर वाली साड़ी के ऊपर ये बहुत अच्छी जाएगी बहुत बेस्ट लगेगी जब बॉर्डर वाली साड़ी हो और प्लेन साड़ी हो और मेहरून कलर हो रेड कलर हो ब्लैक कलर हो ये बहुत बढ़िया जाएगा डार्क ग्रीन कलर की साड़ी हो बहुत बढ़िया जाएगा कंट्रास्ट के साथ इसका एक मिस हो गया है कहीं भी ढूंढती हूँ मैं और आज सारी झुमकियाँ मैं देख रही थी तो झुमकियाँ बहुत सारी दिख रही थी मुझे तो सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए एक ये है जिसका फिनिशिंग बहुत सुंदर है देखिए एंटीक लुक में है मेहरून है ये बहुत सुंदर लगती है कुर्ती है शॉर्ट कुर्ती है और प्लेन कुर्ती है अगर प्लेन भी नहीं है उसका गला बना हुआ है और ये वियर कीजिए बहुत अच्छा लगेगा ये था आ ये है और एक जैसे हमने देखा होगा कि लोग वियर कर रहे हैं आजकल प्लाजो है है ना प्लाजो है पैंट है उसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा सेम ब्लैक के जैसे ही थोड़ा सा ये ऐसा है जैसे साउथ इंडियन लुक होता है साउथ इंडियन डिजाइन ये और ये साउथ इंडियन डिजाइन में है जैसे साउथ इंडियन में ये और ये ये साउथ इंडियन डिजाइन में जैसे आप सिल्क की साड़ी पहनेंगे साउथ सिल्क सिल्क की साड़ी पहनेंगे ये बहुत बढ़िया जाएगा उनके साथ टीम अप करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ऐसी झुमकी एक ये है ये पिकॉक है मल्टी कलर में है तो ऐसा वियर कर सकते हैं आप लोग भी मल्टी कलर में है पिकॉक ऊपर है नीचे छोटी सी झुमकी है तो ये आप जैसे कोई कुर्ती है मल्टी कलर में है या फिर मल्टी कलर में नहीं है कोई फ्रोजी रंग की है या ब्लैक कलर की कोई कुर्ता है आप ईयर कर सकते हैं मेरे पास जो मिलेगा वो थोड़ा गर्लिश लुक में मिलेगा हैवी उत्ता कलेक्शन मेरे पास नहीं है पर कलेक्शन बहुत सारा है मेरे पास आगे जब रहेगा थोड़ा टाइम बाद हाँ मैं आगे जो सेट के जो रहेगा वो पूरा सेट का भी एक बनाऊंगी मैं वीडियो क्योंकि सेट भी है मेरे पास काफी सारे ये है ये मैंने अपने लहंगे के लिए लिया था भैया की शादी में ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद जब आपने जूड़ा बांध रखा हो ठीक है जूड़ा बांध रखा हो तब इसको पहनी है क्योंकि इसका लुक पूरा अच्छे से तभी आएगा समझ में बड़े एयरिंग का यही रहता है थोड़ा सा बाल बंधे होने चाहिए क्लैचर लगा हो पीछे पिनअप हो हेयर ये मैं लाई पर मैंने वियर नहीं करे रख रखे हैं ऊपर से एक बेल जा रही है लीफ की और नीचे ये दो एक झुमका है घंटियाँ जैसी लटक रही हैं ये बहुत अच्छा लगता है पहनने पर ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था प्लेन कुर्ती हो उसके ऊपर आप पहनिए बहुत अच्छा लगेगा ये प्लेन कुर्ती हो जीन्स के ऊपर है बहुत अच्छा लगेगा ये ये है मेरे पास एंटीक कलर की झुमकी ये बहुत अच्छा लगता है ये भी ये आप कहीं ऑफिस जा रही हैं ऑफिस में वीयर कर सकती हैं वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है ऐसी झुमकियों में ऐसी झुमकी में जिसमें वॉल्यूम नहीं होता वही प्रेफर करते हैं लोग फॉर्मल लुक के लिए तो खैर नहीं जाएगा ये पर ऑफिस के लिए जाएगा ऑफिस के लिए स्टर्ट जाएंगे छोटे छोटे है ना और ये है झुमकी नीचे छोटी छोटी सी मोतियाँ लगी हैं और ये हिल रही हैं और ऐसा है ये घंटियों टाइप का जी मुझे भाभी ने गिफ्ट कर दिए थे ये देखिए ये भी साउथ इंडियन साड़ी हो नहीं भी साउथ इंडियन साड़ी है फिर भी आप वियर कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है इसका लुक ये देखिए हैवी सा प्लाजो है, है सा पैंट है पैंट और कुर्ते के साथ वियर कर सकते हैं साड़ी है ये सिल्वर लुक में है और पिंक स्टोन लगे हैं इसमें ये ए डी वाले उस टाइम बहुत चल रहे थे तब मैंने परचेज करा था बस थोड़ी सी केयर मांगते हैं ये एयरिंग और ये बताऊं एयरिंग मेरे ये बहुत पुराने हैं ये जो है ये भैया की शादी के टाइम ये हैं ये तीन झुमकी हैं लटक रही हैं ऐसे ऐसा कुछ है तो ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वेयर करेंगे तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगी आपको सेकेंड पार्ट में जो इसका एयरिंग का ही होगा और बाकी बीच में कुछ विंटर्स की वीडियो भी आएगी बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपको क्या क्या कलेक्शन मेरा देखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए मैं आपको बताऊँगी सब अगर मेरा स्किन केयर जानना है नाइट का तो आप वो भी बताइए अगर आप मेरा हेयर केयर जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा तो चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ बाय